भारत और इंडिया पिछले कुछ दिनों से ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई कंपनी कांग्रेस वो इस डिबेट को काफी हवा दे रही। तो आपका चैनल पर स्वागत है और आज इसी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उस डिबेट के तीन कंपोनेंट है। पहली कंपोनेंट, भारत पुराना है या इंडिया पुराना है, भारत रखना चाहिए या इंडिया रखना चाहिए। दूसरे कंपोनेंट है कि अगर अंग्रेजों की बनाई चीज़ों से है, हमें इतनी चिढ़ है तो हम बाकी चीज़ों को ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते, हम बाकी चीज़ों को अबैंडन क्यों नहीं करते देते, डिमोलिश क्यों नहीं करते देते। और तीसरी बात, किसके बारे में बी आर अम्बेडकर की क्या ओपिनियन थी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, इंडिया या भारत, डॉक्यूमेंटेड है, वर्ड्स पे ध्यान दे, डॉक्यूमेंटेड है। जब क्रिश्चियंस और मुसलमानों के पूर्वज जंगलों में नंगे घूमा करते थे, ध्यान रखना डॉक्यूमेंटेड है, यानी हम सिर्फ बोलना और लिखना नहीं जानते थे, उस लिखी हुई चीज को प्रिजर्व करना भी जानते थे। ये तब से है, ये बृहस्पति पुराण की है, ऋग वेद के अंदर भी ये चीजें लिखी गई। और ये चीजें कब लिखी गई, जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम के पूर्वज जंगलों में नंगे घूमा करते थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि पत्तियों से भी अपनी बॉडी को ढक सकते। तो ये सवाल स्टार्ट होते ही, ये प्रश्न स्टार्ट होते ही सॉल्व हो जाती है। हमें महाभारत के भारत से प्यार है, तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया से प्यार है, ये तुम्हारी समस्या है। और जो लोग कल तक भारत जोड़ रहे थे, आज उनका दिल भारत से टूट रहा, इतनी तकलीफ है। तो तुम्हारे खानदान में तीन लोगों ने भारत रत्न ले रखे, उसे वापस कर दो। एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट तुम उसे वापस कर दो। भाई पैसे वापस मत करना, उतनी तो तुम्हारे अंदर मोरलिटी है नहीं कि तुम पैसे वापस करो, कम से कम वो प्राइज वापस कर देना कि हमें भारत रत्न नहीं इंडिया रत्न चाहिए था, आपने गलत प्राइज दे दी, हम आपके प्राइज वापस करते हैं। नेहरू ने नेहरू को रिकमेंड करा और नेहरू ने ही नेहरू को प्राइज दे दी। कमाल की चीज़ें। अब आते इस वाली सवाल के ऊपर कि हम सारी चीज़ों को तोड़ के लिए थे। आंसर है, हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली वो चीज़ जो डायरेक्टली शोषण का केंद्र थी, दूसरी वो जो शोषण करने के लिए बनाई गई थी। चीजें क्या बनाई, ट्रेन बनाई ताकि एक जगह से दूसरी जगह ब्रिटिश आर्मी को पहुंचाना आसान हो, टेलीग्राम बनाया ताकि एक जगह से दूसरी जगह म्यूटिनिटी की खबर को तेजी से फैला सके। अब सवाल यह है कि उसमें पैसे किसके लिए गए थे, लंदन की गलियों से पैसे निकाले थे या मुसलमान लेकर आए थे। भाई बाबर घोड़े पे जमीन तो लेकर नहीं आया था ना, या ईस्ट इंडिया कंपनी शिप में डाल के लंदन की जमीन लेकर तो नहीं आई थी। जमीन हमारी, लोग हमारे, पैसे हमारे, तो उसके ऊपर ओनरशिप किसका हुआ? जमीन हमारी, लोग हमारे, पैसे हमारे, तो ओनरशिप किसका हुआ? हमारा। तो वो चीज़ें हमारी है, आप उस गलतफहमी से बाहर निकल जाए। अगर एक हमलावर मेरे घर में आता है, मेरे घर के कुछ हिस्सों को तोड़ता है और एक रूम में लाइट लगाता है, तो लाइट उसके बाप की नहीं होगी, वो हमारी है। अब आते हैं उस वाली पार्ट पे जो शोषण से डायरेक्टली जुड़ी है। कौन सी चीज़ें शोषण से डायरेक्टली जुड़ी थी? तो तीन चीज़ें एक्टिव थे, पुलिस, आर्मी और कोर्ट। कोर्ट बनाई गई थी ताकि जो लूट है उस लूट को लीगलाइज कराया जा सके, भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाई जा सके और जो लोग उस लूट का विरोध करते हैं उनको जेल में डाल जा सके। तो ये तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जेल में डालेगा कौन? पुलिस डालेगी। और अगर कोई जेल से भागे तो उसे गोली कौन मारेगा? आर्मी मारेगी। तो ये तीन जो थे वो डायरेक्टली थे। और इन तीनों के ऊपर सुपरवाइज कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस और कोर्ट को तोप के गोलों से उड़ा देना था, क्योंकि ये शोषण के केंद्र थे। इनका निर्माण ही किया गया था ताकि हमारा शोषण किया जा सके। इनका निर्माण ही किया गया था ताकि भारत के अंदर से हिंदुत्व को खत्म करके ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा सके, इस्लाम को फैलाया जा सके। इनका पर्पस ही था हिंदुओं को खत्म करना। अब बच गया पुलिस और आर्मी वाले। भाई पुलिस और आर्मी वाले, जो लोग उस समय ब्रिटिश पुलिस या ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगना था और उनके पास तीन ऑप्शन होने थे। उन्हें गोली मार दी जाती, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाता, उन्हें ऑप्शन दिया जाता कि आप देश छोड़ के चले जाए। चौथा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं, एक स्वाभिमानी राष्ट्र के अंदर चौथा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हुई थी। हमने लड़के आज़ादी नहीं ली, हमने आज़ादी कॉम्प्रोमाइज पर लिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों की हालत ऐसी नहीं थी कि जो अपनी कॉलोनी को कंट्रोल कर पाए। तो कुछ लोग यहाँ बैठे थे जिन्होंने उस मजबूरी को क्रेडिट बना दिया कि अंग्रेज चरखा चलाने से भाग गए। भाई चरखा चलाने, हिंदुस्तान में चरखा चलाई ना, तो श्रीलंका से कैसे भाग गए? हिंदुस्तान में चरखा चलाई तो म्यांमार से कैसे भाग गए? ठीक है ना, ईरान से कैसे भाग गए, इराक से कैसे भाग गए? चरखा तो इधर चली ना, या इस चरखे का इम्पैक्ट भी वहां तक जा रहा था। तो ये जो कहानियां इन्होंने फैलाई, इन कहानियों का कोई सोच तो बनता नहीं। हाँ, कायदे से हमें इन सारी चीज़ों को खत्म करना था, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, कोर्ट, इन तीनों को बम के धमाकों से उड़ा देना था, आर्मी और पुलिस को अबैंडन करना था। उनमें से एक भी बंदा हिंदुस्तान के अंदर रहने लायक नहीं था, क्योंकि वो अपने जीते जी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। और जो लोग जेलों में बंद थे,
उन्हें पुलिस में, उन्हें आर्मी में जगह मिलनी चाहिए थी। जो लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे उन्हें पुलिस में और आर्मी में जगह मिलनी चाहिए, हम ऐसा कर नहीं सके। इट वॉज ए हिस्टोरिकल ब्लंडर। लेकिन अब पुलिस और आर्मी बहुत पुरानी बात हो गई, तो इतनी पुरानी बात हो गई कि अब हम उस वापस उस वाली साइड पे नहीं जा सकते। लेकिन कोर्ट आज भी वही काम कर रही, प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट के साथ भी हमारा वही ऑब्जेक्शन है। पार्लियामेंट तो हमने नहीं बना ली, प्रेसिडेंट हाउस के साथ आज भी अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा स्वाभिमान इस लेवल पे जा चुका है, तोप की गोली लगाओ और उसे उड़ा दो, क्योंकि वो इस देश के अंदर अंग्रेजों के गुलामी का केंद्र है। अब आते पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, बी आर अम्बेडकर। भाई बी आर अम्बेडकर के बारे में दो बातें बड़ी फेमस है, पहली बात वो गरीब थे, दूसरी बात वो फ्रीडम फाइटर थे। चलो एक एक करके डायग्नोसिस करते हैं। बी आर अम्बेडकर का फादर और बी आर अम्बेडकर का ग्रैंडफादर दोनों ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, तो अगर वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे तो गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिटिश उसे सैलरी देते थे। भाई ब्रिटिश अपने दलों को सैलरी तो देते थे ना, या ब्रिटिश बिना सैलरी के दलाली करा रहे थे, या तो ब्रिटिश बिना सैलरी के दलाली करा रहे थे, और अगर नहीं सैलरी दे रहे थे तो फिर गरीब कैसे हुए? और अगर वो गरीब हुए तो उसका ऑनर्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदू समाज के ऊपर कैसे? आप अंग्रेज की दलाली करें और आप गरीब हो गए और हिंदू समाज जिम्मेदार है कैसे? भाई दलाली आप अंग्रेज की कर रहे हैं ना, तो सैलरी उसने आपको दी या नहीं दी ये आपका और आपके मालिक के बीच का मैटर है, इसमें समाज कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? दूसरी बात फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट लगा रखी है ना, इसे टाइप भी करा जा सकता था, इसे कॉपी पेस्ट भी करा जा सकता था, लेकिन एक एविडेंस के तौर पे हमने इसे टाइप नहीं करा, इसके स्क्रीनशॉट लगाई। कौन से स्क्रीनशॉट है? आप गूगल के ऊपर सर्च मारो साइमन कमीशन, ये दूसरे पैराग्राफ है, बैकग्राउंड के बारे में लिखा है। तो पहली लाइन इसके ऊपर बैकग्राउंड है, फिर वो स्टार्ट होती है द कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बिकॉज डैश डैश डैश। अब सेकंड लास्ट लाइन पे आओ, इट वाज सपोर्टेड बाय बी आर अम्बेडकर, पेरियार ए वी रामास्वामी एंड चौधरी छोटूराम। छोटूराम हरियाणा का था, रामास्वामी तमिलनाडु का था, बी आर अम्बेडकर महाराष्ट्र का था। ये तीन लोग क्या कर रहे थे? ये तीन लोग साइमन कमीशन को सपोर्ट कर रहे थे। किस साइमन कमीशन को? जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई कंपनी कांग्रेस ही विरोध कर रही थी, चाहे वो दिखाने का ही विरोध कर रही हो, लेकिन कर रही थी। उतनी बेशरम पार्टी भी जिसका विरोध कर रही थी उसके सपोर्ट में ये तीन लोग थे। क्यों थे मालूम नहीं, सपोर्ट में लाने के लिए अंग्रेजों से कोई डील हुई थी। हमारे यहाँ जिसने देश को डिवाइड करा वो फादर ऑफ नेशन बन जाता, जिसने देश के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाई, नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा, कुकीज को क्रिश्चियन बनाया, उसे मदर कहते हैं, मदर टेरेसा। जिसके अपने घर के बच्चे बिना पेरेंट्स के पल गए, जिसे अपने घर के बच्चों में कोई लगाव नहीं था, वो चाचा बन गया। पास एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पहुंची, वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अगर आपको ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट करी, एन राव, क्या टाइप करोगे? बी डॉट एन डॉट आर ए यू, बी एन राव। आप ये चेक करना, आप ये भी देखोगे कि बी आर अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस बंदे का नाम लिया और ये भी बताया कि मेजर क्रेडिट गोज टू हिम। एक पॉपुलर परसेप्शन है कि बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के टिकट पे था, बिल्कुल सही बात है, मगर वो सिर्फ 46 से 47 तक था। 47 से 50 तक ये मुस्लिम लीग की सपोर्ट से था, उसने ये स्लोगन इन्वेंट करा और 49% पॉपुलेशन ने 82% लैंड लेके बांग्लादेश बना ली। उस समय तो पाकिस्तान ही बनाई थी। फिर क्या हुआ उस लॉ मिनिस्टर का? पाकिस्तान में उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलते हैं, वो पाकिस्तान से भागकर भारत आता है और भारत के अंदर इतनी बेशर्म सरकारें रहती है जिसने उसको शेल्टर दिया और एक दिन वो वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर गुमनामी की मौत मर जाता है। क्या नाम था? चेक करना। जो गमलों में उगे पौधे थे ना वो बरगद को चुनौती दे रहे थे और यही होता रहा। बात की इंपॉर्टेंस नहीं है कि राणा प्रताप ने क्या कहा, इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं है कि शिवाजी राजे ने क्या कहा, मगर इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा। भाई कौन था ये, कौन था ये भाई साहब? 1950 के बाद ये एक इलेक्शन नहीं जीता, 6 साल कोशिश करी, फ्रस्ट्रेट होकर बौद्ध बन गया एक ब्राह्मण लड़की से, इसने 56 साल की उम्र में शादी करी। कौन था भाई साहब ये? साइमन कमीशन का सपोर्टर था और फ्रीडम फाइटर बन गया। ब्रिटिश आर्मी में इसके घर वाले काम करते थे और ये जो है वो गरीब बन गया। भाई बी आर अम्बेडकर की कोई फोटो होगी ना जिसमें पुलिस ने उसको गोली मारी, डंडे मारे, कभी सेलोरी जेल में बंद रहा हो, कभी किसी और जेल में बंद रहा हो, अगर ऐसी कोई फोटो है तो आप शेयर करें, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। लेकिन कोई बंदा साइमन कमीशन का सपोर्टर हो, उसे पुलिस ने कभी गोली नहीं मारी, कभी डिटेन नहीं करा, कभी सेलोरी जेल में नहीं गया, कभी किसी और जेल में नहीं गया, तो फ्रीडम फाइटर कैसे बना? भाई कौन सी देश की फ्रीडम फाइटिंग कर रहा था वो?